हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे इफ्तारी से और इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और जो बीमारी उनको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए और जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं उन्हें अल्लाह पाक हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहे हैं गर्म गर्म फ्राइज़ और ये मोहम्मद को बहुत पसंद है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यही कढ़ाई में डाल देती हूँ, इसलिए कि ये एकदम गर्म और खोलते हुए तेल में डाले जाते हैं तो ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो जल्दी हम अपने फ्राइज़ यहाँ निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने बेसन ले लिया था और आलू को कटिंग कर लिया था, प्याज को मैं अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। ये हम प्याज वाले पकोड़े बना रहे हैं और इसमें मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन आपका पेट ख़राब नहीं करती, आप एक चुटकी अजवाइन ज़रूर डालिया कीजिए बेसन में जब पकोड़े बनाते हैं उस टाइम, ठीक है। और हरी मिर्चें बहुत मज़ा देती हैं इसमें, तो हरी मिर्चें डालना नहीं भूलिएगा। मैंने भी 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं ताकि लग जाएँ किसी को। तो बस यहाँ मैं अपने पकोड़े बनाऊंगी और ये है मेरी लकी कढ़ाई, बहुत अच्छी ज़बरदस्त प्यारी कढ़ाई है, इसकी सूरत पे नहीं जाएगा, इसकी सीरत बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ गर्म गर्म पकोड़े बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पकोड़े बन चुके हैं और फ्राइज भी बन चुके हैं और अब मैं यहाँ दही बूंदी की प्रिपरेशन करती हूँ। ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैं यहाँ 1 कप दही बूंदी डालूंगी और बस इसे हमें 1 मिनट ही बॉईल करना है, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसे ज़्यादा बॉईल करेंगे तो एकदम ये बिल्कुल आटे की तरह यूँ घुल जाएगा, तो हमें बस 1 मिनट ही बॉईल करना है और इसको दही में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह की सारी प्रिपरेशन हो गई है, बस मैं ये आखिरी लास्ट बेज निकाल रही हूँ पकौड़े के और बस अब मैं दस्तरखान लगाऊँगी, उसके बाद जो है हम वहाँ बैठ के दुआ मांगेंगे और इफ्तारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, खूब पानी पीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।